अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, जो सरकारी मुलाज़मीन हैं वो अपने दिलों को थाम के बैठे हैं, क्योंकि आज हम शेयर करने लगे हैं कि स्टेट बैंक की तरफ से क्या हुक्म जारी हुआ है कि ईद उल फितर की कितनी छुट्टियां हैं और किस दिन से स्टार्ट हो रही हैं और किस दिन तक मुलाज़मीन को छुट्टियाँ दी जा रही हैं। क्योंकि जो मुलाज़मीन हैं वो इसी ताक के अंदर हैं कि उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है छुट्टियाँ मिलें, लेकिन स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक, जो स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है, जो उसका हुक्म जारी होता है, उसी के मुताबिक जो है ना तमाम सरकारी और नीम सरकारी अदारे जो होते हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो जनाब, आज हम जानते हैं जनाब कि इस बार स्टेट बैंक ने क्या पॉलिसी निकाली है कि इस बार छुट्टियाँ कितनी होंगी। तो चलिए जनाब देखते हैं। ईद उल फितर से मुतालिक अहम खबर आपको देते हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। वजारत दाखिला के मुताबिक ईद उल फितर की तातीलात 21 से 25 अप्रैल तक होंगी। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है, जबकि ईद उल फितर देख सकते हैं जनाब आप कि इस बार स्टेट बैंक ने जो है ना 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और ये फ्राइडे